सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, उसके बाद आपको गूगल आपके एड्रेस पर एक पिन भेजता है, उसे आप वेरीफाई कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहां से आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पे आपको सर्च में सर्च करना है एडसेंस। जैसे ही आपका ये एडसेंस सर्च होके आएगा, तो आपको गूगल एडसेंस का जो ये ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको जैसे ये क्लिक होगा तो आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना है, और जब ये आपका ओपन हो जाएगा तब आपको इसे डेस्कटॉप मोड में इसे ओपन करना है, जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे में देखिए, आपको वेरीफाई करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, उसको आपको जूम करके यहाँ पे जो वेरीफाई लिखा हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वो पिन डालने को बोलेगा जो कि आपका सेंड किया है। तो मैं वो पिन यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि मेरा पिन, तो मैं इस पिन को बारी बारी से ध्यान से देख कर मैं भर देता हूँ। याद रहे दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करना है जल्दबाजी में, आपको एकदम पूरा केयरफुल होकर देखना है। अगर गलती हो गया तो ये फिर आपको चांस नहीं देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से भरने के बाद सिंपली आपको 2 से 3 बार फिर से चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर आपका पिन फिर से भरा जाएगा तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बाकी डन, आपका काम हो गया। योर बिलिंग एड्रेस जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका जो पेमेंट होल्ड है वो रिलीज हो जाएगा और आपका पिन भी वेरीफाई हो जाएगा। जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ऊपर में एरर दिख रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।